हेलो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है और पेमेंट कैसे करना है। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि उस पेमेंट का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं चलती हूँ अपने ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स पे। तो आप देख सकते हैं मैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र पर आ चुकी हूँ। हमें एड्रेस बार में टाइप करना है ignu.ac.in, कंटिन्यू टू HTTP साइट पे क्लिक करना है, रजिस्टर ऑनलाइन के अंडर में टर्म एंड एग्ज़ाम है, हमें इस पे क्लिक करना है, क्लोज पे क्लिक करना है। अब हमें स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में जाना है। गाइस, सबसे नीचे आपको ग्रीन कलर के बॉक्स में देखने को मिलता है एग्जामिनेशन फॉर्म / पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। स्टेटस चेक करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना है। गाइज, हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू पेमेंट स्टेटस। सबसे पहले हमें यहाँ क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। गाइज, यहाँ पे हमें एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। गाइज, मैंने एनरोलमेंट नंबर एंटर कर दिया है, अब मैं सबमिट पे क्लिक करती हूँ। हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे शो कर रहा है ट्रांजैक्शन नंबर, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम डेट, पेमेंट गेटवे। गाइस, ये पेमेंट हमने 26 मार्च 2024 को किया था 11:33 पे। पेमेंट स्टेटस में आप देख सकते हैं सक्सेस एक्नॉलेजमेंट जनरेटेड, मतलब हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट हो चुका है। गाइज, अगर आपका पेमेंट स्टेटस ब्लैंक दिखा रहा है तो आपको नीचे चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। अब मैं व्यू एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करती हूँ। एक्नॉलेजमेंट चेक करने के लिए हमें सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, उसके बाद हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर दी है, अब मैं सबमिट पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पे कंट्रोल नंबर और डेट ऑफ सबमिशन दिखा रहा है। कंट्रोल नंबर के नीचे जो नंबर है हमें उस पर क्लिक करना है। गाइज, आप फाइनली एक्नॉलेजमेंट स्लिप देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है इट इज़ ओनली एन एक्नॉलेजमेंट, हॉल टिकट विल बी अपलोडेड 10 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। गाइज, यहाँ पे आपको कंट्रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, नेम, टेंटेटिव एग्ज़ाम सेंटर ऑप्टेड दिखा रहा है। इसके बाद आपको कोर्स कोड दिखा रहा है, मोड ऑफ पेमेंट दिखा रहा है, उसके बाद आपको अमाउंट दिखा रहा है, फिर उसके नीचे आपको एप्लीकेशन डेट दिखा रहा है। इसका प्रिंट लेने के लिए प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करना है। अब हमें सेव पर क्लिक करना है, फिर से सेव पे क्लिक करना है। गाइस, PDF सेव हो चुका है। नीचे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं जून 2024 एग्ज़ाम के लिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप एग्ज़ाम फॉर्म का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं और उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।